हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी स्टडी 26। और आज हम अपनी वीडियो का अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं MHI 08 करवा रही हूँ, और MHI 03 जो कि आपका कॉमन सब्जेक्ट था, दिसंबर वाले बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं, और अभी बच्चों का MHI 06 और 08 का एग्ज़ाम है। तो बच्चा, अभी मैं 6 वाला जो पार्ट है वो मैंने स्टार्ट नहीं करवाया है, मैंने पहले 8 स्टार्ट करवा दिया है, क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट्स तो हैं बट कुछ बच्चों ने MHI 08 लिया है, कुछ बच्चों ने 6। तो मैं 3 वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ MHI 08 के, तो मैं वही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो 6 वाले बच्चों के लिए हम रियली सॉरी, उनके लिए आगे मटेरियल डलेगा, जून वाले बच्चे आएंगे, बट अभी 8 करवाते हैं। तो फिर मैंने ये रियलाइज़ किया है कि आप लोगों को ना मुझे क्वेश्चन सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही करवाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा सिलेबस है जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो फिर मैं एक काम करती हूँ कि क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज़ है वो सॉल्व करवा देती हूँ। तो फिर मैं आपको जून वाले बच्चों का पेपर सॉल्व करवा रही हूँ, आप ये मत सोचते कि दिसंबर वाले बच्चों का अलग होगा, नहीं, सब्जेक्ट्स अगर सेम है तो क्वेश्चन पेपर भी सेम ही होता है, मिलता जुलता होता है, सेम क्वेश्चन होते हैं, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो मैं वही जून वाले बच्चों का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है, वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी, ठीक है। तो उसको मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, जो कि है हमारा औपनिवेशिक काल से संबंधित पर्यावरण के इतिहास लेखन की प्रकृति पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका मीनिंग ये है कि औपनिवेशिक काल में जो पर्यावरणीय स्थिति थी ना हमारी, उसके इतिहास लेखन पे हमें चीज़ें बतानी है कि मतलब किस प्रकार से उस टाइम का इतिहास जो है वो लिखा गया। इसके अंदर हमें मेनली इम्पॉर्टेंट जो हमारे रिसर्चर हैं उनके बारे में लिखना है, मैंने इनका नाम बोल्ड कर दिया है थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को प्रस्तावना में ही पता चल जाए कि हम किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। एक ये भी है, बोल्ड नहीं हो पाया बट आप मंडलन कर देती हूँ उसको डबल टाइम, ठीक है। देखिए प्रस्तावना है हमारी, भारत ने पर्यावरणीय परिस्थितियों का विश्लेषण इतिहासकारों ने विभिन्न तरीकों से किया है, जहां इतिहासकार अजय सरकारिया ने आदिवासियों तथा राज्य के मध्य पारस्परिक विरोध को स्पष्ट करने की कोशिश की है, वहीं शिवराम कृष्ण ने प्राकृतिक संसाधनों पर लागू होने वाले परस्पर विरोधी स्वार्थों की गहराई से जांच की है। रवि राजन ने औपनिवेशिक नीति में विद्यमान आंतरिक विभाजन को समझाने का प्रयास किया है। इसी तरह कुछ अन्य पर्यावरणीय इतिहासकारों ने वन आश्रित समुदाय पारिस्थितिकी तंत्र की कार्य प्रणाली तथा जानवरों के विलोपन संबंधी मुद्दों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। ठीक है बच्चा, ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है एक्चुअली, ये ना ये बुक की लैंग्वेज नहीं है बच्चा, जो मैंने बुक से पढ़ा है, जो बुक से मैंने समझा है, जो उसको अच्छे से इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है, वो प्रॉपर एक आंसर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। और अगर आप इस आंसर को लिखते हैं तो आप लोगों को और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ इसे ही, क्योंकि जो आपकी बुक है ना इग्नू की, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगती है मोस्टली बच्चों को, बट ऐसा नहीं है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, एक बार समझ में नहीं आता दूसरी बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। बट फिर भी जिन बच्चों के लिए कम टाइम है, जिन बच्चों के पास कम टाइम है, उन बच्चों के लिए मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में अपने नोट्स से समझा दिया है, अगर आप इतना भी आंसर लिखते हैं ना तो भी इनफ होता है, ठीक है। देखिए आप इस आंसर को सुन के आपको ऐसा लगेगा कि बहुत छोटा है ये, बट ये छोटा नहीं है, क्योंकि जब हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो लेंथी होता जाता है। बस कोशिश करना है कि आप और चीज़ें ऐड ऑन करते रहें जो कि इन्फॉर्मेटिव हो और आपका जो आंसर है वो अच्छा बने, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो राइटर है उनका नाम है अजय सरकारिया। औपनिवेशिक काल से संबंधित भारत में पर्यावरणीय परिस्थितियों का विश्लेषण सर्वप्रथम अजय सरकारिया ने किया है, यानी कि जो इंडियन हिस्टोरियन है उसमें अजय सरकारिया का नाम उस चीज से जाना जाता है या माना जाता है कि उन्होंने औपनिवेशिक काल में सबसे पहले पर्यावरण से संबंधित कुछ लिखा था या फिर कुछ बताया था, तो वो कौन थे? अजय सरकारिया, याद रखना, ठीक है। कैसे याद रखोगे आप उनका नाम? कि भारत के अंदर औपनिवेशिक काल में सबसे पहले जिन्होंने विश्लेषण किया है, सबसे पहले पर्यावरण के बारे में जाना, तो वो थे अजय सरकारिया। ये आपकी बुक का ही लिखा हुआ है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है इसमें, ठीक है, बस खाली लैंग्वेज इजी करी है। उन्होंने राज्य नियंत्रणवादी व्याख्या प्रस्तुत की है, इनका कहना है कि आदिवासियों को जंगली एवं आदिम मानने की तथा स्थायी कृषि व्यवस्था को सभ्यता के समक्ष मानने की प्रवृत्ति रही है, वह राज्य एवं आदिवासी के मध्य परस्पर आधारित व्यवस्था की जांच पड़ताल करते हैं, ठीक है। यानी कि वो बहुत सारी चीजों के बारे में बताते हैं, आदिवासी और जंगली लोगों के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से जो किस कृषि व्यवस्था है उसके अंदर लोगों के अंदर किस प्रकार से बदलाव आया है, फिर कृषि जो है वो कैसे लोगों के ऊपर डिपेंड हो गई है, कि मतलब लोग कृषि के ऊपर डिपेंड तो है ही है बट अब कृषि भी हो गई है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जिनको उगाना जरूरी होता है सॉइल के लिए। अभी अगर हम सारी की सारी ऐसी फसलें उगाएंगे जिससे कि हमारी जो मृदा है वो खराब हो जाएगी,
तो फिर हम बहुत टाइम तक तो उसमें खेती नहीं कर पाएंगे। तो हमारी मट्टी को ताकत के लिए भी कुछ ऐसी फसलों की जरूरत होती है, फिर उसको खाली छोड़ना। खाली छोड़ना भी एक कृषि का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर हम 5 ईयर्स के लिए जो है वो जमीन को खाली छोड़ देते हैं, ताकि हमारी जो मट्टी है वो उपजाऊ हो सके। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, आप मेन टॉपिक समझो, मतलब कि मेन चीज समझो आप, कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को। क्योंकि ये मुझे लगता है कि इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है हमारा, जो कि है भारत में पारिस्थितिक एवं पर्यावरण का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट इन इंडिया। ये आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं एनवायरमेंट के बारे में, तो वही वही चीजें जो रिपीटेड बताई हुई है। बस अभी आपको क्या याद रखना है, मेन कि आपके मास्टर्स के एग्जाम में आपको ये चीज एड ऑन करनी है, वो है किसी भी हिस्टोरियन का नाम और उसकी जो थिंकिंग है, जो उसने बताया है उस चीज के बारे में। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम होता है। सेकेंड है हमारे शिवराम कृष्ण। शिवराम कृष्ण का मानना है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए वन कानून को विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय सरोकारों से संबंधित विवाद ने इतना उलझा दिया कि कानून तैयार ही नहीं हो सका। यानी कि 19वीं सेंचुरी की बात है, जब ब्रिटिश सरकार ने एक वन कानून लागू किया था। हालांकि वो हो नहीं पाया था, बट वो लोग चाहते थे कि वन कानून आए, और ये कानून बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आगे बताऊंगी मैं इसके बारे में आप लोगों को। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों पर लागू होने वाले परस्पर विरोधी स्वार्थों की गहन जांच पड़ताल की है। इनका कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार जताने वाले अनेक समुदाय थे, अतः राज्यों को किसी औपचारिक नीति पर पहुंचने से पहले कई संभावनाओं पर विचार करना पड़ता था, क्योंकि बहुत से निजी स्वार्थ भी इसमें शामिल होते थे, जो नीतिगत मुद्दों को अपने निजी हित में करना चाहते थे। ठीक है बच्चा, थर्ड है हमारे रवि राजन। इतिहासकार रवि राजन ने औपनिवेशिक नीति में विद्यमान आंतरिक विभाजन को स्पष्ट करने की कोशिश की है। यह समस्या तब और उग्र होने लगी जब जनसंख्या वृद्धि तथा अत्यधिक पशुचारण के कारण वनों का दबाव बढ़ने लगा था। तो रवि राजन उस चीज के बारे में, उस मुद्दे के बारे में बात करते हैं, जब जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। और आप लोगों को पता है कि जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो लोगों को अधिक भोजन की आवश्यकता होगी, रहने की आवश्यकता होगी, प्लस जो लोग पशु पालन करते हैं तो उनके पशुओं को भी चराने के लिए कोई पर्टिकुलर एरिया चाहिए होगा, उनको रखने के लिए, उनके खान पान के लिए। तो जनसंख्या वृद्धि हमेशा से ही जो है वो एक इम्पोर्टेंट मुद्दा रही है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा आवश्यकता होगी और उतनी ज्यादा हम अपनी प्रकृति को हार्म पहुंचाएंगे। ठीक है, तो हमारे जो फोर्थ पॉइंट है वो है वन संरक्षण नीति। अभी वन संरक्षण नीति के बारे में आप लोगों को बताऊंगी मैं। औपनिवेशिक काल में जब भारत में रेलवे का विस्तार हो रहा था, तब अंग्रेजों के लिए कीमती जंगली लकड़ी का व्यापार एवं आपूर्ति केंद्र में थी, अतः अंग्रेजों ने एक व्यवस्थित वन संरक्षण नीति की शुरुआत की। उनका तर्क था कि वन विनाश तथा पर्यावरणीय शुष्कीकरण के बीच सीधा संबंध था, जिस कारण राज्य वन संरक्षण नीति की परम आवश्यकता थी। इस नीति के तहत वन निवासियों को निष्कासित करने जैसे बहानों से सही ठहराने का प्रयास किया गया, जबकि यह नीति औपनिवेशिक आर्थिक लाभ के लिए थी। बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ है ये, आप लोग एग्जैक्ट लिख देना, आप लोगों को पक्का मार्क्स मिलेंगे इसमें। इसके अंदर सिंपल सी बात ये बोली हुई कि जो वन संरक्षण नीति थी उससे सीधा जो संबंध था ना, जो मुनाफा था, वो सीधा किनको था, आर्थिक लाभ किनको था, अंग्रेजों को। क्योंकि वो क्या बहाने बना रहे थे कि जो लोग हैं वो हार्म पहुंचा रहे हैं वनों को, और जो वो कटाई करते हैं, चाहे लकड़ी जलाने के लिए, चाहे अपने घर बनाने के लिए, तो वो गलत है। जबकि अंग्रेज भी क्या करेंगे, अंग्रेज भी एक प्रकार की लकड़ी है, उसका व्यापार करने के लिए कीमती लकड़ी, जैसे चंदन की लकड़ी है और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट, या फिर कह लीजिए कि बहुत ही एक्सपेंसिव जो वुड होती है, उनको इकट्ठा करने के लिए वो लोग वहां पर बहाने बना रहे थे कि लोगों को यहाँ से हटाया जाए और लकड़ी को अपने अंडर किया जाए। ठीक है, ये थी वन संरक्षण नीति, जबकि ये बिल्कुल ही फ्लॉप रही। दिव्य भानु सिंह और महेश रंगराजन के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ, उन्होंने क्या कहा है, उनका मत देखते हैं। मानव तथा पशुओं के पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश डाला है, किन्होंने, दिव्य भानु सिंह ने और महेश राजन ने। इनका कहना है कि किस प्रकार और क्यों कुछ विशेष प्रकार के जानवरों को सीधे निशाना बनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका विलोपन हो गया। यानी कि ऐसे जानवरों को जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, या उनकी कोई खाल, दांत, या उनके कुछ पैरों की हड्डियां, सर की हड्डियां इतनी एक्सपेंसिव हो कि उनको मारकर और उस चीज से मुनाफा कमाया जाए, जो कि एक बहुत ही गलत बात थी। क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि हमारे पास ऐसे बहुत कम स्पीशीज बचेंगी जो हम, हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो देख ही नहीं पाएगी।
ये तब से ये और आज तक चलता आ रहा है और ये अभी भी कंटिन्यू है। सिक्स पॉइंट है हमारा मानव पशुओं का अंतर संबंध। अब मानव और पशुओं का जो अंतर संबंध है, क्या रिलेशन है हमारा और जानवरों का, उसके बारे में हम देखेंगे। साधारण सी दिखने वाली कृषि प्रक्रिया का बुरा प्रभाव दिखने लगा। बड़े जानवरों के निवास स्थान को नष्ट कर दिया गया, जिससे जानवर मानव बस्तियों के पास आने लगे। इससे उनका संपर्क हिंसक गतिविधियों में बदल गया। अतः मानव पशुओं का अंतर संबंध तभी संकट में पड़ा जब दोनों ने एक दूसरे की पारिस्थितिकीय सीमाओं का उल्लंघन किया। जैसे कि मानव ने जब वनों को हार्म पहुंचाया, वनों की कटाई की, उनको साफ किया, तो उससे क्या हुआ कि जो बड़े जानवर है, जो वहां के रहने वाले जानवर है, वो मानव बस्तियों में आए। अब जब मनुष्य उनके घर में घुसा, तो फिर जानवर भी मनुष्य के घर में घुसे, और दोनों की प्रक्रिया हिंसक थी, तो दोनों को इस चीज से नुकसान हुआ। ठीक है बच्चा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मुझे पक्का पता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। निष्कर्ष करते हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि औपनिवेशिक कालीन पर्यावरणीय इतिहास पर विभिन्न विद्वानों ने अपनी अलग अलग राय प्रस्तुत की है। यद्यपि इन पर्यावरणीय इतिहासकारों के कार्य क्षेत्र का मूल्यांकन शुष्क दृष्टि से किया जाए, बेटा यहाँ पे सूक्ष्म आएगा, मूल्यांकन सूक्ष्म दृष्टि से किया जाए तो तत्कालीन पर्यावरणीय स्थितियों का आकलन किया जा सकता है। यानी कि अगर हम इन लोगों को और अच्छे से पढ़ेंगे ना, देखिए अच्छा क्या होता है ना कि अगर हमें कोई भी चीज लॉन्ग टर्म के लिए लर्न रखनी है, मान लीजिए आप JRF के एग्जाम देंगे या फिर PhD करेंगे, तो आप लोग ना इन जितने भी जो हिस्टोरियंस है इनको उठाइए और इनको प्रॉपर पढ़िए। जैसे अजय सरकारिया है, उनकी कोई बुक लीजिए, उनकी कोई थ्योरी लीजिए, उसको प्रॉपर पढ़िए, चाहे वो 3 पेज की हो, 10 पेज की हो, 100 पेज की हो। इससे क्या होगा कि आपको उनकी आइडियोलॉजी पता चलेगी कि वो क्या सोचते हैं, उन्होंने क्या लिखा है, तो आपके दिमाग में वो रह जाएंगे। ठीक है, तो इससे आप लोगों को ही आसानी होगी कि आप लोगों को और कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिलेगा, प्लस आप लोग उनके बारे में कभी भूलेंगे नहीं। तो ये हो गया कि याद रखने का मेथड। ठीक है, बाकी तो मैंने आप लोगों को आंसर में बता दिया। अगर आप लोगों को डिटेल्ड वीडियो चाहिए इसकी, या फिर आप लोगों को समरी चाहिए, तो आप मुझे बता देना, मेल कर देना, मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, मेरी मेल आईडी ये है। आप यहाँ तक आए गए हैं तो थैंक यू सो मच। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे। बच्चा थैंक यू सो मच। एंड लास्ट थिंग इज के आप लोग जो है ना बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में आता है इसलिए आप कमेंट करते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं भी आता है तो भी मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ। अच्छी बात है, क्वेश्चन निकलेंगे तभी तो आंसर बनेंगे। एक चीज मुझे आप लोगों से ये बोलनी थी कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ना एक काम कर दीजिए, काफी सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो शायद मेरे पास नहीं थे जब मैं BA या फिर मास्टर्स कर रही थी अपनी, तो मुझे आप लोगों के लिए पढ़नी पड़ती है वो चीज़। ठीक है, हालांकि मैं पढ़ के उस चीज़ को कर सकती हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। मैं भी चाहती हूँ कि आप लोगों को भी पढ़ना बहुत पसंद हो। तो आप मुझे ना वो मटेरियल, वो पैराग्राफ जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर PDF फॉर्म में मुझे मेल कर दीजिए, जिससे कि मैं क्या कर सकूँ ना कि आप लोगों को पढ़ के एक्सप्लेन कर सकूँ वो चीज़। आप ये मत देखिए कि वो बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है, आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं आप लोगों के लिए ही हूँ, चाहे एक बच्चा भी पूछेगा मैं उसका भी आंसर करूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।